हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी बाड़मेर जिले के नगाना थाना क्षेत्र के बांद्रा सरहद में कंटेली झाड़ियों में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर नगाना थाना अधिकारी नरपत दान बायतू डीएसपी जग्गूराम मौके पर पहुंच शव को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल को महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। अब पुलिस ने महिला की हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच सैंपल ली है। वहीं एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए हैं। मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए महिला के भतीज पर आरोप लगाया है। पुलिस ने भतीज को दस्तयाब कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी मेघाराम ने अपनी भाभी की मौत का बदला लेने के लिए इस महिला को मौत के घाट उतारा है। आरोपी मेघाराम के बड़े भाई का अवैध संबंध इस मृतका महिला के साथ थे, जिसकी वजह से करीब 1.5 से 2 साल पहले आरोपी की भाभी ने आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए रिश्तेदार सांवला राम, इन्होंने ये कहा। दस तारीख को मैं घर आऊँ लड़को लेने जो है। अब बेण है आज इस बौली में लाश मिली है माने। अब की जो कोई जांच की जाए फुल। अच्छा, मैं घर आऊँ के लागे कम लागे जेठू तो लागे। अच्छा, कई गांव के कमला के कई गांव है। कोचरियों ही कमला, कड़वासरी और पन्नावड़ी बम शौक है। पुलिस आ गई है? पुलिस आई मौके बता है। हाँ, तो जदे घरों लेन की योजना दर्ज करायो, गुमशुदगी मामला दर्ज कहीं करायो? हाँ, गुम की कराई। तो ए लागे के बिंग भतीज लागे। अच्छा, किना शादी किना हुई थी कमला? कितना साल होया है शादी? तो इन खासा साल होया बिंग सा लड़को है। 15 बर मोटा 15 साल लड़को है। इन हस्बैंड के करे कमला के मजदूरी करे। पुलिस के क्यों टीम आई जांच करने की? हाँ, जांच करे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराम मेघवाल की रिपोर्ट।